अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी लगा शुक्र है ठीक हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो मेरे पास जितने क्रेलन एक्वा के केक लाइनर्स हैं, मैं आपके साथ आज वो शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे पास मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हुए। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको वो भी दिखाऊँ मेरे पास कौन कौन से कलर में है और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में ये मेरे पास ग्रीन है, डार्क ग्रीन कलर है ये, इसके अंदर रखते हैं ताकि आपको अच्छी इजीली शो हो। और ये एक गोल्ड कलर है, और इसके अलावा हमारे पास एक प्योर वो खिलता हुआ एक सन गोल्ड जो कलर होता है ये वो वाला है। इसके अलावा हमारे पास ब्राउन एक्वा है, इसको हम आईब्रो फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ओके आईज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के। और ये मेरे पास है रेड, प्योर रेड कलर है ये, देखिए ये है रेड कलर। और ये है वाइट, ये मेरे पास ग्रीन कलर है, रेड ग्रीन जिसे कहते हैं ये वो वाला कलर है। और मेरे पास ये है आईलाइनर के तौर पर जो एक्वा मैं यूज़ करती हूँ ये वो है। अच्छा, उसके अलावा लाइनर में मेरे पास एक और चीज़ भी है, वो क्रिस्टीन का जो केक लाइनर होता है वो वाला है। अच्छा, तो ये हमारे पास है एक्वा के शेड्स, ये आप देख सकते हैं ये सारे शेड्स हैं जिनको हम डिफरेंट तरह के मेकअप लुक के लिए यूज़ करते हैं, लाइनर के तौर पे भी यूज़ करते हैं और उसके अलावा आईज मेकअप में भी यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके, मैं आपको स्वैच भी चेक करवाती हूँ कि स्वैच किस तरह के होंगे। और मेरा इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मेरे पास एक ये सीलर है या किसी अच्छी क्वालिटी का सीलर, जो आपके पास सीलर हो आप वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला सीलर लें आप। तो एक ड्रॉप में मैं इसे इन कलर्स को सीलर के साथ यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि फर्स्ट में हम लोग ये लेते हैं लाइट कलर सबसे, ये है वाइट वाला। अब हमने इसे सीलर से लिए तो ये इससे ये हो जाता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जब हम इसे लाइनर लगाएंगे तो ये वाटर प्रूफ भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। और सेकंड में हम लोग लेते हैं ग्रीन, ले लेते हैं ये वाला ग्रीन। ये देखिए, इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लाइनर लगता है, लाइनर आप इसे क्रिएट कर लेते हैं ये देखें। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे ये क्या कहते हैं इसे, हम डल गोल्ड कलर कह लें या इसे कॉपर कलर कह लें ये वो है। और ये इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है, ये करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये हो गए। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि ये एक लाइट कलर है, मैं आपको ये भी शो करवाती हूँ, ये सन गोल्ड कलर है। बाद हम आते हैं डार्क ग्रीन, ये वाला डार्क ग्रीन जो शेड है हमारे पास, इसे हम फ्लैग, हमारा पाकिस्तानी फ्लैग कलर भी कह सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर भी कह सकते हैं। जैसे ये ड्राई होगा ये फिर उतरने वाला नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह आपका लाइनर जो है वो लॉन्ग लास्ट लास्टिंग इसकी बढ़ जाती है जब आप इसे सीलर के साथ अप्लाई करेंगे। और
भी मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया हुआ, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ मेरा। ये देखिए ये कितना खूबसूरत रेड कलर है, ये देखिए। अच्छा उसके बाद आता है हमारे पास ये हमारा ब्राउन है, एक पूरा ब्राउन। इससे आप आईब्रो फिल कर सकते हैं, इससे आप स्मोकी आईज कर सकते हैं। इतना खूबसूरत ब्राउन कलर है ये। अब लास्ट पे मैं आपको इसका दिखाती हूँ जो है हमारा एक्वा लाइनर। और ये वो सारे शेड हैं जो मेरे पास एक्वा के हैं। ये हैं मेरे पास 8 कलर्स हैं, ठीक है। ये और ये बहुत ज़बरदस्त, तो आप मेकअप लुक, जब फंकी मेकअप लुक करते हैं उसमें आपको रेड ग्रीन वाइट और आजकल वाइट अंडर आइज पे भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम इन्हें लाइनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम आई मेकअप में भी डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो आज कलेक्शन थी इसकी एक्वा के शेड कलर्स आईलाइनर्स की, तो मैंने आपके साथ वो शेयर किए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट एक्वा का। सबको ये पता है कि जो एक्वा के कलर्स होते हैं वो बहुत शानदार रिज़ल्ट होता है उनका, और अप्लाई करने में बहुत इजी होते हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। वो अगर आप वाटर से लगाएं तब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सीलर के साथ लगा रहे हैं तो उनकी लास्टिंग और बढ़ जाती है और वो वाटर प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो कल की वीडियो एक नए टॉपिक पे और एक नई चीज़ को लेके जो मेरी वेंटी में है, मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी ताकि आगे जाके जब हम मेकअप स्टार्ट करें तो उसमें जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँ आपको बार बार उसके लिए ये नहीं पूछना पड़े कि ये आपने क्या किया है, ये कौन सी चीज़ थी, कौन सी प्रोडक्ट थी, कौन सी कंपनी की थी। तो मैं आपको साथ ये सारी चीज़ें पहले से शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट तरह की हम चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें जो इस टाइप के जो आई शेड्स कलर होते हैं हम उसकी भी एक वीडियो करेंगे, उसमें किस किस तरह के आई शेड्स आते हैं मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, और नए नए जो प्रोडक्ट आ रही हैं उन पे भी हम रिव्यूज़ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।